इनकम टैक्स में एक लेसन है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। यह इनकम का चौथा शीर्षक है, ठीक है। इनकम का जैसे पांच हेड होता है ना, ये चौथा हेड हम लोग का है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ठीक है, कैपिटल गेन में क्या आता है कि किसी भी प्रकार का अगर हम लोग कैपिटल एसेट्स प्रॉफिट लेकर या फ्यूचर में बेचते हैं, तो उसमें जितना भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो इस हेड के अंतर्गत टैक्सेबल होगा। तो कैपिटल एसेट्स होता क्या है, ठीक है ना, एस कोई भी एसेट्स, ठीक है ना, कोई भी एसेट्स जो करदाता के पास, मतलब जो टैक्स पेयर है उसके पास कोई भी एसेट्स वो कर बिजनेस से कनेक्ट हो या ना हो, ऑल एसेट्स आर कैपिटल एसेट्स। ठीक है, सभी प्रकार के जो हम लोग का लॉन्ग टर्म एसेट या शॉर्ट टर्म एसेट्स है, सबको हम लोग कैपिटल एसेट्स माना जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है, कुछ ऐसे एसेट्स हैं जिसको एसेट्स के मतलब टैक्स पेयर के पास है लेकिन उसको कैपिटल एसेट्स नहीं माना जाता है, ठीक है। उसको अगर हम लोग बेचेंगे प्रॉफिट पे या लॉस पे तो इस हेड के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है, उसी इस हेड के अंतर्गत नहीं आएगा। तो आपको एक्सेप्शन बताते हैं कुछ। एक्सेप्शन मतलब इसमें ये रूल लागू नहीं हुआ, एसेट्स रहेगा इसके पास लेकिन वो कैपिटल एसेट्स नहीं कहा जाएगा, ठीक है। जैसे बिजनेस, जिसका हम लोग बिजनेस करें उसका गुड्स, सेकेंड प्राइवेट एसेट्स मतलब क्या होता है, मूवेबल एसेट, जैसे मोटर कार, टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ये सब हम लोग को प्राइवेट एसेट्स रहेगा तो हम लोग उसको कैपिटल एसेट्स नहीं मानेंगे। लेकिन के प्राइवेट एसेट्स में भी हम लोग का कुछ एक्सेप्शन है, जो कि प्राइवेट एसेट्स होते हुए भी कैपिटल एसेट्स होगा। अगर हम लोग उसको बेचेंगे या खरीदेंगे तो हम लोग का क्या होगा, वो कैपिटल एसेट्स के अंतर्गत, कैपिटल गेन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। जैसे इसमें क्या एक्सेप्शन, ड्राइंग्स हो गया, पेंटिंग हो गया, ज्वेलरी हो गया, किसी प्रकार के आपके पास मूर्ति है या पुरातत्व विभाग का कोई ऐसा सामान मिला है जो कि है, तो वो सब हम लोग का कैपिटल एसेट्स ही क्या होगा, कैपिटल एसेट्स माना जाएगा। जबकि ये प्राइवेट एसेट्स है लेकिन इसको अगर हम बेचेंगे खरीदेंगे तो क्या माना जाएगा, कैपिटल एसेट्स ही माना जाएगा, ठीक है। एक और थर्ड क्या है, एग्रीकल्चर लैंड। इन एग्रीकल्चर लैंड में क्या पॉपुलेशन, पॉपुलेशन लेस देन 10,000 होना चाहिए। अगर पॉपुलेशन 10,000 से कम है और उस जगह का एसेट्स को अगर हम लोग बेचते हैं एग्रीकल्चर लैंड को, तो हम लोग का कैपिटल गेन के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है, कैपिटल गेन के अंतर्गत नहीं आएगा। उसके बाद हम लोग का और क्या है, गोल्ड बॉन्ड्स, गोल्ड बॉन्ड्स, ठीक है। अगर हम गोल्ड बॉन्ड्स, जैसे हो गया आपका 6.5% गोल्ड बॉन्ड, 7% गोल्ड बॉन्ड्स, ठीक है, 1918 या नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड, नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड्स, ठीक है। अगर हम लोग का ये सब रहता है गोल्ड बॉन्ड, तो ये भी हम लोग का कैपिटल एसेट्स नहीं माना जाएगा, ठीक है।
अब आप लोगों को बताते हैं कैपिटल एसेट्स कितना प्रकार का होता है। ठीक है, कैपिटल एसेट्स कितना प्रकार के होते हैं। कैपिटल एसेट्स दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कैपिटल एसेट कितना प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। ठीक है, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स और एक शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल शॉर्ट टर्म में क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स क्या है, जो टैक्स पेयर के पास, जो एसेट्स टैक्स पेयर के पास 36 महीना, ठीक है, 36 महीना से अधिक उसके पास ना हो, मतलब 3 साल के अंदर अगर कोई एसेट्स हम लोग लेते हैं और 3 साल के अंदर अगर उसको बेच देते हैं तो शॉर्ट टर्म कहलाएगा, मतलब 3 साल के अंदर, ठीक है ना, विद इन 3 ईयर्स। ठीक है, इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल क्या होगा, ऐसा एसेट्स जो एसएससी के पास 36 महीने से अधिक ना हो। ठीक है, इसमें भी हम लोग एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन है, अपवाद, 3 मिसाल है ना, लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या है, शेयर, शेयर में हम लोग 36 महीना है ना, और 24 मंथ में हम लोग करेंगे, शेयर में अगर 2 साल के, 2 साल से जहाँ ज़्यादा हुआ, 2 साल से जैसे ज़्यादा हुआ वो हम लोग का लॉन्ग टर्म कहलाएगा, 2 साल ही इसमें है। और एक होगा जीरो कूपन बॉन्ड, ठीक है, जीरो कूपन बॉन्ड में 12 महीना, जीरो कूपन बॉन्ड में कितना रहेगा हम लोग का, 12 मंथ रहेगा। ठीक है, और लॉन्ग टर्म इसी का ऑपोजिट, ऐसा एसेट्स जो एसएससी के पास 36 मंथ से में भी एक्सेप्शन रहेगा, अपवाद, शेयर में 24 मंथ जीरो कूपन बॉन्ड में हम लोग का 12 मंथ। ठीक है, ये हो गया एसेट्स। अगर हम लोग लॉन्ग टर्म एसेट्स बेचते हैं इसमें तो प्रॉफिट या लॉस होगा, तो आंसर क्या लगेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस होगा, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। इस तरह का एसेट्स में अगर हम लोग को प्रॉफिट या लॉस होता है तो इसको बोला जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या प्रॉफिट। ठीक है, तो अब आप लोग को बता रहे हैं इसका फॉर्मेट। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन असेसमेंट ईयर। देखिए हम लॉन्ग टर्म का बताने जा रहे थे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब देखिए लॉन्ग टर्म जो होता है ना, तो इसमें एक इंडेक्स पोस्ट आता है,
मान लीजिए हम 2001 या 2 में हम खरीदें कोई एसेट्स, उस समय का वैल्यू और अभी का कितना वैल्यू है ये हम लोग कैसे जानेंगे, तो इंडेक्स कॉस्ट से। ठीक है, किससे जानेंगे, इंडेक्स कॉस्ट से। देखिए लेस, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ लिख देंगे, कॉस्ट प्राइस इनटू इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इन विच ईयर एसेट्स, सॉरी जिस साल बेचा जाएगा उसका इंडेक्स कॉस्ट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ, ठीक है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इन विच ईयर एसेट्स परचेज। ठीक है, जब खरीदेंगे उस साल का इंडेक्स नंबर और जब बेचेंगे उसका इंडेक्स नंबर जो भी आएगा हम लोग, ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे उसका। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट किए हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, मतलब बाद में भी कुछ काम किए हैं अगर उसमें, तो उसका भी हम लोग का कॉस्ट प्लस होगा इसमें। तो इम्प्रूवमेंट कॉस्ट इनटू इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इन विच ईयर एसेट्स सोल्ड डिवाइडेड बाय इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इन विच ईयर इंप्रूवमेंट, जब लोग इम्प्रूवमेंट किए हैं दोनों को प्लस कर देंगे यहाँ पर लिख देंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर जो हम लोग आएगा वो कहलाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस, शॉर्ट फॉर्म में LTCG, LTCG। अगर किसी तरह का डिडक्शन रहा, ठीक है ना, अगर किसी प्रकार का डिडक्शन रहा तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसमें डिडक्शन भी है, ठीक है, कि जैसे हम लोग कोई कैपिटल गेन हुआ, अगर हम लोग टैक्स से बचना चाहते हैं तो हम लोग का इसमें छूट भी प्रदान किया गया है। ठीक है, जैसे ये इसके बाद हम बताएंगे। देखिए डिडक्शन आप लोग को लिख दिए हैं, इसको एक बार समझा देते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए हम लोग कैपिटल गेन होता है और उस कैपिटल गेन पे तो टैक्स लगेगा, अगर हम उससे बचना चाहते हैं और पैसा कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो कहाँ कहाँ कैसे कैसे करेंगे ताकि हम लोग को क्या मिलेगा, छूट मिलेगा। तो हाउस प्रॉपर्टी का लेसन में एक चार्ट बना हुआ है, उसी चार्ट से हम इसको इन शॉर्ट लिखे हैं। ठीक है, जैसे सेक्शन 54, अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी बेचते हैं, ठीक है ना, अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी क्या करते हैं बेचते हैं तो, और नया ऐसे हाउस प्रॉपर्टी ही लेते हैं, लेकिन अगर ट्रांसफर करवाएंगे तो 1 साल, खरीदेंगे तो 2 साल, बनवाएंगे तो 3 साल के अंदर, अगर टाइम लिमिट के अंदर इस तरह कर लेते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, कैपिटल गेन में छूट मिल जाएगा। जितना का भी एसेट्स हम लोग खरीदेंगे या बनवाएंगे या ट्रांसफर करवाएंगे तो हम लोग को छूट मिल जाएगा। तो हमको सेक्शन याद रखना है, ठीक है, सेक्शन हम लोग क्या याद रखना है कि सेक्शन 54 में अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी बेचते हैं और नया एसेट्स हाउस प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हम लोग को छूट मिलेगा, लेकिन टाइम के अंदर, टाइम मतलब ट्रांसफर 1 साल, परचेज करेंगे तो 2 साल के अंदर खरीद लेना है और कंस्ट्रक्शन कराएंगे तो 3 साल के अंदर हम लोग को क्या करना है, खरीद बनवा लेना है, तब छूट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, सेक्शन 54B, इसमें क्या है, एग्रीकल्चर लैंड अगर बेचते हैं और नया एसेट्स एग्रीकल्चर लैंड लेते हैं, लेकिन 2 साल के अंदर लेना है, कितना साल के अंदर लेना है, 2 साल के अंदर अगर हम लोग लेते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, छूट मिलेगा। उसी तरह से हम लोग क्या क्या है, सेक्शन 54D, इंडस्ट्रियल एरिया लैंड एंड बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड, अगर इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड करते हैं
ठीक है, इंडस्ट्रियल लैंड बिल्डिंग सोल्ड करते हैं और 3 साल के अंदर ही एक नया इंडस्ट्रियल लैंड बिल्डिंग ले लेते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, छूट मिलेगा। फिर है सेक्शन 54EC, इसमें अगर कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट्स को बेचते हैं और नया एसेट्स क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट मतलब हाउस प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर लैंड सब छोड़ के अगर हम लोग बेचते हैं कोई भी अदर लॉन्ग टर्म एसेट्स और 6 महीना के अंदर उसको अगर NHAI में मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बॉन्ड खरीद लेते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, छूट, लेकिन 6 महीना के अंदर। उसके बाद 54F, अगर कोई अदर लॉन्ग टर्म एसेट्स बेचते हैं और नया एसेट्स हाउस प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो कैपिटल गेन जो होगा उसमें नया एसेट जो खरीदेंगे तो उसमें अनुपातिक छूट मिलेगा। और टाइम हम लोग का वही है जो 54 में, मतलब ये वाला टाइम ही रहेगा, ठीक है। तो ये कैपिटल गेन हम लोग का अगर रूल याद रहेगा तो इजी लेसन है और अगर रूल हम लोग नहीं याद करेंगे तो किसी कोई भी लेसन अगर हम लोग का रूल याद नहीं रहेगा तो हार्ड ही लगेगा। तो आप लोग रूल को अच्छा से याद कर लीजिए तो आप लोग को अच्छा रहेगा कैपिटल गेन बनाने में, ठीक है।